यूं तो राजस्थान पुलिस बार बार इस बात का दावा करती है कि आम जनता में भरोसा और अपराधियों में भय उनका ध्येय वाक्य है, लेकिन पचपदरा में यह वाक्य पूरी तरीके से बेमानी साबित हुआ जब यहां के SHO देवेंद्र सिंह कविया रिश्वत लेते ACB की उदयपुर से आई विशेष टीम के हाथों रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए। ये वही बंगला है जहाँ पर देवेंद्र कविया जो SHO पचपदरा यहाँ पर निवास करते हैं, बहुत बड़ा ये निवास है। और एक SHO की तनख्वाह की अगर बात की जाए तो उसके आधार पर इतने बड़े बंगले में उनका निवास रहना, और इससे पहले भी बताया जा रहा है कि पचपदरा के लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप दबी जबान में लगा रहे हैं कि बिना कुछ अपराध के ये अपने थाने में लोगों को रखते थे, एक दो तीन दिन तक रखते थे और विरोध करने पर धमकाते भी थे। और अब ताज़ा मामला रिश्वत का है। यहाँ गाड़ी छोड़ने के एवज में 80,000 रुपये पहले मांगे गए, उसमें 10,000 रुपये इन्होंने माइनस किए, 20,000 पहले लिए और 50,000 रुपये आज जब ये थाने में लेने के लिए पहुँचे, यहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि मेरे घर आ जाओ। घर पर जैसे ये पहुँचे, 50,000 रुपये जैसे ही उन्होंने लेके अपने जेब में डाले और ACB की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बचने के लिए इन्होंने ACB के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, यहाँ से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन ACB के चंगुल से वो छूट नहीं पाए। ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस विभाग ऐसे भ्रष्ट विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाता है। हालांकि बार बार मोदी सरकार, वसुंधरा सरकार पुलिस में पारदर्शिता के बड़े बड़े वादे करती रही है, लेकिन इस तरह के उदाहरण जब सामने आते हैं तो यह बात सीधे तौर पर कही जाती है कि दो कानून यहां पर काम करते हैं, अमीर और गरीब का। अमीर बिना किसी इनकी जो सहूलियत के आधार पर जो पैसा देते हैं उनको ये छोड़ देते थे, लेकिन जब गरीब परिवार इनके पास आता था तो उससे वसूली का अभियान शुरू हो जाता था। और अंत में ACB ने इस दानव रूपी जो आम जनता को चूस रहा था, ऐसे थानाधिकारी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज, पचपदरा, बाड़मेर। दिनांक 13/11/17 को प्रार्थी गफूर खां, पिता हनीफ खां, निवासी रोहिड़ी नाड़ी तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट उदयपुर पे एक शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा एक अपहरण में मुकदमा दर्ज किया गया था मेरे विरुद्ध, जिसमें मैं जमानत पे बाहर होने के बाद में थाना पचपदरा में मेरी स्विफ्ट गाड़ी भी जब्त की गई थी। उस मुकदमे में उसको रिलीज़ करवाने की कार्रवाई के लिए पहुंचा, जिस पर थानाधिकारी श्री देवेंद्र कविया द्वारा मुझसे 1,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिस पर मैं अपने साथी के साथ में वापस उनसे गया तथा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे साथी के माध्यम से 80,000 रुपये रिश्वत की मांग की। उक्त रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में उसके सत्यापन की कार्रवाई की गई। दोहरा सत्यापन श्री देवेंद्र कविया द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत राशि के रूप में दिनांक 14/11/2017 को ग्रहण किए गए थे। तत्पश्चात 15 को ब्यूरो की टीम मेरे नेतृत्व में यहाँ पहुँची और उस दिन से हम ये ट्रैप की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे, पर चूंकि श्री देवेंद्र कविया राजकीय कार्य से जोधपुर तथा पाली गए हुए थे, कल रात्रि को वो यहाँ पर आए। आज सुबह वार्तालाप होने के बाद में प्रार्थी उन्हें पैसे 50,000 रुपया प्रार्थी का साथी देने के लिए यहाँ पर आया। इस दौरान
पैसे देने के बाद उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल टीम उदयपुर द्वारा श्री सुरेंद्र सिंह भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मेरे द्वारा दिलीप सिंह झला निरीक्षक द्वारा की गई। हाँ, उनके द्वारा कार्रवाई के दौरान उन्होंने प्रोटेस्ट की कोशिश की थी और उसके बाद में हमने सारी चीज़ को संभाल लिया, वो कार्रवाई को अग्रिम आगे बढ़ाया। राजकारी बाधा का मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उनके द्वारा नहीं, पकड़े जाने पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपना, फिर ऐसी राजकारी में बाधा जैसा इतनी स्थिति विकट नहीं हुई थी। देखिए, भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों के क्रम में जांच जारी है, अगर ऐसी कुछ और भी चीज़ें आएगी सामने तो वो भी रखी जाएगी सामने। पब्लिक भी आपसे शिकायत कर सकती है अगर चाहे तो? पब्लिक शिकायत करना चाहे तो कर सकती है शिकायत को भ्रष्टाचार की। थैंक यू सर। जी सर।